हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज बना रहे हैं बिहार के फेमस रेसिपी दाल पूरी। तो यहाँ पे हम लहसुन लिए हैं, थोड़ी सी दालचीनी, अदरक है, हरी मिर्च और काली मिर्च है, जीरा है। इसी मसाला को हम पीस के और बनाएंगे, बाकी मसाला यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे राई का तेल लिए हैं, इसमें डालेंगे अच्छे से गर्म हो जाने के बाद जीरा। जीरा अच्छे से पक जाएगा, इसके बाद डालेंगे चना का दाल। तो चना का दाल मैंने रात भर अच्छे से भिगो के ली थी, काफ़ी अच्छा से ये फूल चुका है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और बिहार का तो ये बहुत ही फेमस है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह से हम दाल को चलाते हुए भून लेंगे। इसके बाद जो मैंने मसाला पीसी थी वो डालेंगे, यहाँ पे हल्दी डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और खड़े मसाला जो मैंने पीसी थी वो मसाला डाल देंगे। इसी से काफ़ी अच्छा टेस्टी बन के रेडी होता है, बाकी मसाला के यहाँ पे हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरह से एक बार ज़रूर आप लोग बनाइए, आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसे अच्छे से मिला के हम भून लेंगे। तो देखिए अच्छे से भून चुका है। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी पानी डालेंगे, आधा गिलास के करीब डालेंगे, ज़्यादा नहीं क्योंकि दाल वैसे भी सॉफ्ट है। तो इसे हम मिला के अच्छे से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और यहाँ पे गेहूं का आटा लिए थे, इसमें नमक डाल देंगे, अच्छे से इसे गूंथ लेंगे। आटा में नमक डालने से जो पूड़ी को स्वाद जो आता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे गूंथ के मैंने आटा को साइड में रख देते हैं। इधर दाल को भी देख लेते हैं। तो देखिए दाल जो हमारा अच्छे से पक चुका है। इसे चलाते हुए जो पानी इसमें है थोड़ा बहुत, तो उसे अच्छे से सुखा लेंगे। तो यहाँ देखिए चने के जो पानी था अच्छे से सूख चुका है और अच्छे से ये तैयार हो गया है। तो इसे हम निकाल लेंगे और निकाल के अच्छे से ठंडा करके मिक्सी में पीस लेंगे। बिना पानी का पीसना है, सूखा सूखा और अच्छे से पीस भी जाता है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से सारा दाल जो है हम पीस के रेडी कर लेंगे। पीसने के बाद इसमें हम हरा धनिया मिलाएंगे। तो देखिए यहाँ पे दाल जो हमारा पीस के रेडी कर लिए, इसमें हरा धनिया मिला देंगे अच्छे से। तो यहाँ पे हम जो पूड़ी जो है उसे हम तलेंगे, ऐसे भी बना सकते हैं तवा पे भी और जैसे छान भी सकते हैं, दोनों ही काफ़ी टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे आज मैंने छान के बनाऊँगी। तो इधर कढ़ाई मैंने गर्म होने के लिए रख दिए हैं और इधर आटा जो है इसमें थोड़े थोड़े हम इस तरह से एक पेड़े के जितना तोड़ लेंगे और इस तरह से इसे दबाते हुए एक कटोरी जैसे बना के इसमें दाल हम भर देंगे। तो इसे बेल लेते हैं हम। तो देखिए इसमें फट रहा है, दाल जो है काफ़ी ज़्यादा भर दिए हैं और पूड़ी तो छोटी सी थी इसलिए। तो इसी तरह से सारा जो हम बेल के रेडी कर लेंगे पूड़ी को। देखिए
चलिए इधर तेल भी हमारा गरम हो चुका था, इसे हम तल लेते हैं। काफ़ी अच्छा से इसमें कलर आ गया गोल्डन तक, तो इसे हम निकाल लेंगे। और ये रेसिपी आप लोग को कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और रेसिपी आप लोग की अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए यहाँ पे रेडी हो गया है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।